चलो गाइज वापस आते हैं। तो क्या बोल रहे थे, एसिड सोल्युबल फूल जो है साइटोप्लाज्म जो कंपोजिशन होता है सेल का उसको दिखाता है, और जो रिटेंटेट बायोमैक्रो जो एसिड सोल्युबल फूल है वो साइटोप्लाज्म का दिखाएगा। जो बायो मैक्रो मोलिकुल्स है जो रिटेंटेट वाला जो है वो क्या दिखाएगा, सेल के कंपार्टमेंट को, सेल के ऑर्गेनेल को, है ना। और दोनों मिल करके जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का सेल को दिखाएगा और कुछ नहीं है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल डाटा से पूछता है क्वेश्चन, इसको कैसे याद रखोगे। वाटर और आयन ये सबसे नीचे है, डब्लू वाटर ये याद रखना कि वाटर सबसे ऊपर रहेगा आयन नीचे रहेगा। अब ऐसे पेंसिल, पेंसिल पेंसिल से लिखे हो ना बचपन में, अभी भी लिखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में। तो पेंसिल वाटर जो रहता है वो 72-90% उसके बाद 72-90 उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद प्रोटीन आ गया, प्रोटीन 10 से 15 न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 और ये तीनों को तो बहुत ही आसान है, 3 2 1 3 2 1 3 2 1। ये देखो 70 से 90, 10 से 15, 5 से 7, ठीक है। चलो आ जाएं, वाटर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर प्रोटीन, वाटर सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड है, फिर आयन है, ठीक है। आ जाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो एक 21 टाइप के डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, और दोनों एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो 21 टाइप के एमिनो एसिड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो होमोपॉलीमर नहीं हो सकता है, होमो उसे बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं कि एक ही टाइप के यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे सेलुलोज देखोगे, सेलुलोज जो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक केज उसमें होता है, बीटा ग्लूकोज से बिट करके बनता है ना। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है उसका बेसिक यूनिट, मतलब बीटा बीटा ग्लूकोज बहुत सारा है मिलकर के लगातार बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंक के द्वारा बन जाता है सेलुलोज, तो वो होमोपॉलीमर है। स्टार्च भी होमोपॉलीमर है, इनुलिन में इनुलिन भी होमोपॉलीमर है, फ्रुक्टोज मिल मिल करके बन जाता है, ठीक है। तो वो सब ग्लाइकोजीन ये सब जितने भी है होमोपॉलीमर है, ठीक है। 21 एमिनो एसिड, ठीक है, 20 टाइप होमोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर क्योंकि 21 डिफरेंट है। अब ये आ जाता है, दो टाइप के इम्यून एसिड है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसे बोलते हैं, इसेंशियल बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, और नॉन इसेंशियल जो हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए। तो भाई किसे बोलते हैं, इसेंशियल किसे बोलेंगे, जो हमारे बॉडी चाहिए, कहाँ से लेंगे, कुछ ना कुछ खा के लेंगे। तो डायट्री प्रोटीन, डायट्री प्रोटीन जो हम खाते हैं वो इसेंशियल होता है, यानी हमारी बॉडी कैपेबल नहीं होती है जिस प्रोटीन को बनाने में, वो इसेंशियल है, वो डायट्री प्रोटीन है। और जो हमारा बॉडी खुद बनाता है वो नॉन इसेंशियल है, ठीक है। जो हमारा खुद बॉडी बनाएगा क्यों बाहर से लेंगे भाई, वो नॉन इसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है, वही है। अब प्रोटीन का काम क्या क्या है, ये देखो फंक्शन, कोलाजिन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हम लोग अभी पढ़े थे, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, फाइब्रोजिन कोलाजिन, फाइब्रोजिन कोलाजिन यही सब तो था ज्यादा, है ना, कोलाजिन फाइबर था ना, भूल गया। इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस कोलाजिन का यूज करते हैं। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शस एजेंट, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इनुलिन सॉरी इनुलिन बोल रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन है, इनुलिन क्या है, इनुलिन क्या है, अभी आगे पर होगे, वो होमोपॉलीसेक्राइड है ना, रिसेप्टर का काम करेगा। ये देखो पूछा गया बहुत बार पूछा गया है बहुत बार, ग्लूटफॉर्प जो होता है वो ग्लूकोज ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, और कुनालिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आ गया, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा भी आई पूछा गया बहुत बार, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम साइंस का नहीं हुआ जिसमें नहीं पूछा गया। कोलाजिन जो होता है एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोटीन है, एनिमल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलाजिन, लेकिन ओवरऑल बायोस्फीयर में ओवरऑल पूछा जाएगा तो वो इसको 16% होता है, ठीक है, टोटल जो एटमॉस्फेयर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेटेज। रुबिस्को किसमें हेल्प होता है, अभी देखोगे C3 साइकिल में होगा रुबिस्को का हेल्प, ये डुअल नेचर का एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज भी होता है इसीलिए इसका नाम है रेबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रेबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को ये ऑक्सीजनेज के भी जैसा करेगा एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज के जैसा, विस्मिटी में सराउंडिंग में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो ऐसा रहेगा बनेगा, जिधर देखा खीर उधर गया फिर, ये रुबिस्को का काम है, ठीक है।
पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड किसको बोलते हैं, ये लॉन्ग चेन होता है सुगर का, बहुत सारे सुगर मतलब छोटे छोटे यूनिट सुगर के बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के, बहुत सारे गैलेक्टोज मिलकर के, बहुत सारे फ्रुक्टोज मिलकर के, बहुत सारे जो भी मतलब बेसिक मोनोसेक्राइड मिलकर के बहुत सारे लंबा पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करता है। उसी का एग्जाम्पल अभी बताया था, सेलोज बीटा ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, इसलिए होमोपॉलीमर है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से का है बना हुआ। स्टार्च जो क्या काम करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट, प्लांट में स्टोर जो होता है उसे स्टार्च करते हैं। एनिमल में जो होता है उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। इनुलिन पॉलीमर फ्रुक्टोज बहुत बार पूछा गया है, इनुलिन क्योंकि कॉमन नहीं है ना, लोग नहीं याद रखते हैं, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब पॉलीसेक्राइड का राइट हैंड कर्व रिड्यूसिंग, ये देखो पूछा जाएगा, एक बार पूछा गया था मेंस में स्टेटमेंट में, तो ऐसे याद रखना राइट हैंड, राइट और लेफ्ट, राइट हैंड आर को रिड्यूसिंग, राइट हैंड को रिड्यूसिंग बोलेंगे, लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, ठीक है। अब स्टार जो है हल्क, स्टार आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, सेलो नहीं देता है, एक मतलब 100,000 बार पूछा गया है, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें नहीं पूछा गया, सॉरी एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें सब में पूछा गया क्यों देता है भाई, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च हेलिकल, तो वो पॉकेट सर्विक्स बना लेता है जिसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होकर के रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, और सेलुलोज वैसा नहीं बना पाता है इसलिए वो कलर नहीं देता है, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है। प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये भी पूछा गया, पेपर प्लांट, पल्प, कॉटन, ये सब क्या चीज है, ये सब जो है सेलुलोज है, यही इसमें बताया गया, सेलुलोज, कॉटन फाइबर ऑल्सो सेलुलोज, प्लांट पल्प वो भी सेलुलोज था। अब ये देख लो बिल्डिंग ऑफ केमिकली सुगर, ग्लूकोसामीन और एनस्टाइल ग्लूकोसाफीन, ये भी है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो सुगर, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीकाइटिन, फंजाइ में भी था काइटिन, दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर हेट्रोपॉलीमर, इसमें हेट्रोपॉलीमर कैसे दे रखा है भगवान जाने, मतलब मैंने पुराने एनसीईआरटी में होमोपॉलीमर देखा था, किसलिए, क्योंकि काइटिन जो है एनस्टाइल ग्लूकोसामीन का कंटिन्यू रिपीटेड यूनिट से बनता है, तो हमारे अकॉर्डिंग होमोपॉलीमर देना चाहिए। अब मे भी पता नहीं भाई, आप इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक जहाँ से भी हो कर देना प्लीज, अगर आप जानते हो तो इनबॉक्स कर देना, थोड़ा सा हमें भी बता देना, मैं भी कंफ्यूज हूँ, सब कितने जगह हेट्रोपॉलीमर देख रखा है, कितने जगह होमोपॉलीमर, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई, और हमारे अकॉर्डिंग ही होमोपॉलीमर होना चाहिए, ठीक है, तो एक बार देख लेना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बता दिया था, न्यूक्लिक एसिड किसे मिलकर के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड किससे बना था, नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट, और नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर है तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये तो यहाँ पर भी लिख रहा है न्यूक्लिक एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हाँ भाई न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना है, वन हेट्रोसाइक्लिक सेकंड थर्ड फॉस्फेट, यही बोलता रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है एक, वो क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन से सेकेंड इज मोनोसेक्राइड, यानी किसका बोल रहा है, पेंटोस सुगर, थर्ड इज फॉस्फेरिक फॉस्फेट, ये किसका है कंपाउंड, ये न्यूक्लियोटाइड का है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन से बोल रहा है, दूसरा मोनोसेक्राइड यानी पेंटोज बोल रहा है, फॉस्फेरिक और फॉस्फेट बोल रहा है। एडनिन ग्वानिन ये बता चुके हैं, एडनिन ग्वानिन प्यूरिन होता है, एडनिन ग्वानिन प्यूरिन होता है, थायमिन साइटोसिन यूरासिल पायरिमिडिन होता है, प्यूरिन दो रिंग का था, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, पायरिमिडिन सिंगल रिंग का था, उसमें 1,3,7,9 पे चार नाइट्रोजन थे हेट्रोसाइक्लिक में, प्यूरिन में इसमें 1 और 3 पे केवल नाइट्रोजन था। ये देखो आयदर पेंटोज सुगर रहेगा, पेंटोज सुगर में कौन रहेगा, आयदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज रहेगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज रहेगा, ये पूछा गया है अभी 12 में, 12 वाले एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वहां पे पढ़ेंगे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है, एक ही अंतर है, एक ऑक्सीजन लेस होता है सेकंड नंबर के कार्बन पे, इसीलिए 2-डीऑक्सीराइबोज बोला है, सेकंड कार्बन पे जो होता है एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज में, डीऑक्साइड, तो ये यहाँ पे यही हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कुछ नहीं है, हम लोग यही पढ़े हैं कि आपने कोई भी पढ़ा, कोई भी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वो कोई भी कंपाउंड हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक ही औकात है, टर्सरी ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन हम बायो वाले भाई चार लेवल पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक जा करके पढ़ाए हैं, प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, ठीक है, वही बायोलॉजिकल लेवल का। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है पोजिशन बताता है ना कि कहाँ पे कौन सा है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फंक्शनल उसका बताता है कि फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है लंबा होता है, उसमें जो है लेफ्ट साइड को,
लेफ्ट साइड जो होता है वो एन एंड होता है, राइट साइड एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, है ना, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल लेफ्ट एंड वाले को बोलेंगे, सी टर्मिनल राइट एंड वाले को बोलेंगे। और लेफ्ट टर्मिनल से ही फर्स्ट एमिनो एसिड होता है। और ऐसा क्यों बोलते हैं, ये देखो स्टार्टिंग, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट और राइट। तो कैसे, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था इम्यूनो एसिड का, तो इम्यूनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था भाई, सी डब्ल्यू एच था, यहाँ पे NH2 था, है ना, ऊपर हाइड्रोजन था, नीचे एल्काइल ग्रुप था, है ना, एल्काइल ग्रुप वेरिएबल होता है। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट में नाइट्रोजन आ रहा है N, और राइट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C आ रहा है, इसीलिए लेफ्ट वाले को N टर्मिनल बोलते हैं और राइट वाले को C टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो लास्ट एमिनो एसिड, लास्ट एमिनो एसिड आल्सो कॉल्ड C टर्मिनल, फर्स्ट एमिनो एसिड N टर्मिनल। आ जाओ अब, ये तो अभी पढ़े थे, ये थोड़ा सा देख लेना, ये देखो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है तो एन टर्मिनल है, ऊपर देख लेना, ये देखो ये फर्स्ट एमिनो एसिड को एन से डिनोट करते हैं, लास्ट एमिनो एसिड को सी से करते हैं, ये एल टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, ये राइट एंड है। अब ये देखो सी एच टू ओ एच है गर्ल्स में, लास्ट में एस वाला मिथाइल अल्कोहल जो अटैच था वो वहां पे सेरीन, इसको बोलते हैं एस एच 16 और मिथियोनिन, ऐसा है दो ही सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, 16 प्लस एंड मिथियोनिन, मिथियोनिन दो ऐसा एमिनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग है। तो ये देखो थायो अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल था, ये थायो मिथाइल है, एसएच को जहां पे रहे थायो बोलेंगे। ये देखो टायरोसिन है, टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइलएलानिन तीन ही था जो एरोमेटिक था, पढ़े हैं। तो ये देखो बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं है, तो ये जो है एरोमेटिक है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड जिसने भी बोले थे OH होगा तो एसिड होगा, ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड कैसा था, एसिडिक एमिनो एसिड था। तो इसको डिनोट करते हैं, ये याद सिंपल रहेगा, सेरीन को एस से करते हैं, सिस्टीन को सी से करते हैं, ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है, मे भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, तुम्हारे लिए लीडिंग क्वेश्चन है। ग्लूटामिक एसिड को ई से डिनोट करते हैं, टायरोसिन को वाई से करते हैं, याद रखना भाई प्लीज, ये सब लीडिंग क्वेश्चन है, ये अगर करके आओगे ये तुम्हें कम से कम 1000 लड़कों से ऊपर कर देगा, तुरंत करेगा तो तुरंत रैंक, ऐसे रैंक एक दो बढ़ेगा, ये सब जो है रैंक को ऐसे मतलब तर पाएगा, है ना। अब देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन में हमेशा ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार कि अभी न्यूक्लिक एसिड में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। अब प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड केवल किस में था, प्राइमरी में, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड फोल्डिंग बनेगा, वापस अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दे रखा है, ये जब दो सामने में आ जाएंगे ना इम्यून एसिड, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी आएगा, ईस्टर बॉन्ड भी आएगा, सल्फर बॉन्ड भी आएगा, जो भी बन गया वो टर्शियरी में आ जाएगा, कि थ्री डायमेंशनल टर्शियरी, अगर टर्शियरी एंजाइम, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल। और ये बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, ये समय देखो एन और सी टर्मिनल एक बन रहा है, लेकिन दो चार पॉलीपेप्टाइड मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन होता है, 51 एमिनो एसिड का होता है, 4 सब यूनिट से मिलकर के होता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, हेंस इज 2 अल्फा सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट, तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेचुरल बॉन्डिंग पॉलीमर, अब ये बोल रहा है कि कैसे बॉन्डिंग लिंकेज होता है पॉलीमर। ये देखो ये हमारा था, क्या था, ये हमारा एमिनो एसिड था, ये हमारा एमिनो एसिड था, था ये हमारा एमिनो एसिड था, ऊपर हाइड्रोजन था, नीचे एल्काइल ग्रुप था, मैं ज्वाइंट करने के लिए सिखा रहा हूं, प्लस दूसरा एमिनो एसिड ले लो NH2,
एनएच टू कार्बन